खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तलवारें खिंची हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारतीय एजेंटों पर निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे। उसके बाद भारत ने भी सख्त एक्शन लेते हुए कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस तनातने के बीच भारत ने कनाडा का समर्थन किया। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के एक प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। यह प्रस्ताव हमास को लेकर कनाडा की ओर से आया था। दरअसल कनाडा ने प्रस्ताव रखा था कि हमास के इसराइल पर आतंकी हमले की निंदा की जाए। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसके समर्थन में वोट किया। माना जा रहा है कि दोस्त इसराइल की मदद के लिए भारत ने यह कदम उठाया। हालांकि भारत ने फलिस्तीन देश बनाने का भी खुलकर समर्थन करके संतुलन को कायम रखा। बता दें, इससे पहले जॉर्डन ने इसराइल और फलिस्तीन पर प्रस्ताव रखा था। इसके प्रस्ताव पर कनाडा ने संशोधन प्रस्ताव रखा और कहा कि हमास के इसराइल पर हमले की निंदा की जाए। भारत ने इस संशोधन प्रस्ताव के भी पक्ष में वोट दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 वोट हासिल नहीं होने की वजह से कनाडा का यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कनाडा के इस प्रस्ताव पर 88 देशों ने समर्थन किया, लेकिन 55 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं 23 देश ऐसे भी थे जो तटस्थ थे। बता दें, कनाडा के इस प्रस्ताव का पाकिस्तान, कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया। वहीं कनाडा को भारत के अलावा फ्रांस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों का समर्थन भी मिला। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पहली बार फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। शुक्रवार को प्रस्ताव पर भारत ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की गई थी। महासभा ने नई दिल्ली द्वारा समर्थित एक संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें आतंकवादी समूह का नाम दिया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।